चंद्रयान 3 या फिर लूना 25 चांद के रास्ते पर बाजी कौन मारेगा और किसके कदम चंद्रमा के सबसे मुश्किल हिस्से दक्षिणी ध्रुव पर पहले पड़ेंगे। इसरो के लिए बड़ा झटका होगा अगर यह चंद्रयान 3 को हरा देगा। लूना 25 के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में डिटेल से। लूना 25 को लूना ग्लोब लैंडर भी कहा जाता है। रूस करीब 47 साल बाद चांद पर अपना कोई लैंडर उतार रहा है। लूना 25 मिशन की शुरुआत 1990 में हुई थी, लेकिन यह अब जाकर पूरा होने वाला है। रूस ने इस मिशन के लिए जापानी स्पेस एजेंसी जेक्सा को साथ लाने की कोशिश की, लेकिन जापान ने मना कर दिया था। फिर उसने इसरो से मदद करने की अपील की थी, लेकिन बात नहीं बनी। इसके बाद रूस ने खुद ही रोबोटिक लैंडर बनाने की योजना बनाई। उसने बताया रूसी स्पेस एजेंसी लूना 25 को पहले अक्टूबर 2021 में लॉन्च करना चाहती थी, लेकिन इसमें करीब 2 साल की देरी हुई। लूना 25 के साथ यूरोपियन स्पेस एजेंसी पायलट डी नेविगेशन कैमरा की टेस्टिंग करना चाहता था, लेकिन यूक्रेन पर हमला करने की वजह से दोनों स्पेस एजेंसियां ने नाता तोड़ दिया। लूना 25 की लॉन्चिंग पूर्व की तरफ राजधानी से करीब 5500 किलोमीटर दूर मौजूद वोस्तोनी कस्मोड्रोम से की जाएगी। इसके लिए सोयुज 2.1B फ्रिगेट रॉकेट का इस्तेमाल किया गया। इसी क्रम में 11 अगस्त को रूस से सुदूर पूर्व में स्थित एक गांव सकथिंस्की की बस्ती को खाली कराया जाएगा। यह गांव उस इलाके में स्थित है जहां रॉकेट के बूस्टर गिरने वाले हैं। लोगों के जान माल की सुरक्षा को देखते हुए गांव को खाली कराया जा रहा है। वार्निंग जारी की गई कि कुछ समय तक इस गांव के आसपास ना रहें, आसमान से रॉकेट के टुकड़े गिर सकते हैं। रूसी स्पेस एजेंसी रोस्कोसमोस के अनुसार 1976 के बाद से रूस अपना पहला मून लैंडर लूना 25 लॉन्च करने जा रहा है। रोस्कोसमोस एक स्पेस एजेंसी है, रशिया की बिल्कुल भारत की स्पेस एजेंसी इसरो की ही तरह है। शुरुआत में रोस्कोसमोस और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने लूना 25 के साथ ही लूना 26, लूना 27 और मंगल ग्रह के रोवर पर एक साथ काम करने की योजना बनाई थी, लेकिन दोनों के बीच यह पार्टनरशिप रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद खत्म हो गई। रूस के मून मिशन के राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। रूस ने कहा है कि यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगाकर उसके अंतरिक्ष कार्यक्रम को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन पश्चिमी देशों के प्रतिबंध रूसी अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करने में नाकाम रहे हैं। अभी तक मून मिशन के तहत छोड़े गए अंतरिक्ष यान इसके इक्वेटर तक ही पहुंचे हैं। पहली बार होगा कि कोई मिशन चांद के इसके दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा। साउथ पोल पर उतरकर कीर्तिमान कायम करने वाला था इसरो, लेकिन भारत के इन मंसूबों पर रूस यह कदम उठाएगी किसी ने सोचा भी नहीं था। रूस के स्पेस चीफ यूरी बोरिसोव ने बताया कि लूना 25 इसी महीने 21 अगस्त को चांद की सतह को छू सकता है। लूना 25 मिशन 11 अगस्त शुक्रवार को सुबह 4 बजे लॉन्च किया गया। महज 5 दिनों में, सिर्फ 5 से 7 दिनों में उतर जाएगा। चंद्रयान के बारे में सोचकर आपके होश उड़ जाएंगे। पहले इसके 23 अगस्त के चांद के सतह को छूने की उम्मीद थी, लेकिन अब इसके 21 अगस्त को वहां पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। जबकि चंद्रमा की सतह छूने के लिए निकला चंद्रयान 3 23 अगस्त को चांद की सतह पर उतर सकता है। अब देखना यह है कि इस रेस में कौन आगे निकलता है। अगर रूस का मिशन भारत से पहले लैंड हो भी जाता है तो भी दक्षिणी ध्रुव पर रोवर चलाने वाला पहला देश भारत ही बनेगा। हालांकि लूना 25 जहां 1 साल का मिशन है, तो भारत का चंद्रयान सिर्फ 14 दिनों तक चांद की कक्षा में रहेगा। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल पर। यूं ही फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें।